की परेड को लेकर किसान कर रहे हैं रिहर्सल। किसान आंदोलन शुरू हुए काफी समय बीत चुका है, वहीं किसान दिल्ली की सीमाओं पर काले कानून के विरोध में डटे हुए हैं और किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि हम यहां से वापस जब तक नहीं जाएंगे तब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा। दिल्ली की तमाम सीमाओं पर धरने पर बैठे किसानों द्वारा 26 जनवरी की परेड का अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ रिहर्सल किया गया और किसानों ने रिहर्सल के दौरान ये स्पष्ट कर दिया है कि 26 जनवरी को हम ऐसे ही अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ राजपथ पर जाकर अपनी परेड का प्रदर्शन करेंगे। मुकेश गुप्ता, नोएडा, समाचार 24। यूनियन भानु के धरने को आज 38 दिन पूरे हो चुके हैं। 38 दिन और लगभग अन्नदाता की 60 मौतें। अन्नदाता सड़कों पर पड़ा हुआ, एक तरफ जहां अन्नदाता कृषि बिल को लेकर जंग लड़ रहा है, वहीं प्राकृतिक आपदा का कहर भी अन्नदाता पर चल रहा है। बरसात है और उसके साथ सर्दी भी कड़ाके की हो रही है। और हम आपको यहाँ अभी रूबरू कराएंगे भानु के राष्ट्रीय महासचिव बेगराज गुजर सर, इनसे जानेंगे। आज 38 दिन पूरे हो चुके हैं, अन्नदाता की मांगों को सरकार क्यों नहीं मान रही है? 8वें दौर की वार्ता विफल हो चुकी है, आखिर क्या वजह है? सरकार हठधर्मिता पे है और सरकार अहंकार में है। ये जनता है, जनता का इतिहास रहा, जो जनता नाराज हो जाती है, देश का 70% किसान नाराज होगा तो तख्तापलट का काम करेगा। इतनी संवेदनहीन सरकार जिसमें 60 मौतें अब तक हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी सरकार हठधर्मिता की बात कर रही है, बिल्कुल सरासर गलत है। किसान किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। किसान अपने काले कानून को किसी कीमत पर लगने नहीं देगा। जब तक किसान की बात नहीं मानी जाए, किसान इस तरह आंदोलन करता रहेगा। चूंकि अन्नदाता लगातार एक बात और दोहरा रहा है कि देश की हर जनता के पेट की लड़ाई और हक की लड़ाई अन्नदाता लड़ रहा है, फिर भी सरकार इस काले कानून पर क्यों नहीं विचार कर रही है? दरअसल ये जो काले कानून है, इसमें किसान का नुकसान तो है ही है, आम जनता का भी नुकसान है। इसमें आम जनता का भी नुकसान है और आम जनता का, जब एक भंडारण की पूरी छूट एक व्यापारी को दे दी जाएगी, एक पूंजीपति को दे दी जाएगी, जिसके 4 साल से लगातार गोदाम बन रहे हैं, तो वो अपनी चीज को 4 गुना होने तक के बाद बेचेगा, उससे आम आदमी का भी नुकसान होगा। तो हम आम आदमी की और किसानों की सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई जब तक नहीं मानी जाएगी, जब तक सरकार को सद्बुद्धि नहीं आएगी, जब तक किसानों को, जो किसान शहीद हुए हैं, कम से कम 1-1 करोड़ मुआवजा नहीं दिया जाएगा, जब तक किसान आयोग को गठन नहीं किया जाएगा, जब तक ये मजबूती से लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई और जंग का सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा, मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक किसान अपने धरने से नहीं हटेगा। क्योंकि किसान अपना पूरा इंतजाम करके दिल्ली की सीमाओं पर डटा हुआ है। बात करें नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर पर, जहां किसान अन्नदाता लगातार अपनी मजबूती से अपने बिल्कुल लाभ लश्कर के साथ वहां पड़ा हुआ है, अपने राशन को लेकर पड़ा हुआ है। तो इसे क्या कहा जाए कि यहां से सरकार का बिल वापस होगा तभी आप जाएंगे? जब तक बिल वापस होगा, किसानों की तसल्ली नहीं की जाएगी, किसान आयोग का गठन नहीं किया जाएगा और किसान ही अपनी MSP तय करेगा। जब किसान आयोग का गठन हो जाएगा तो किसान ही अपनी MSP तय करेगा, क्योंकि बाजार में बहुत अंतर हो गया है। जो 75-76 में, सन 75-76 में 300 रुपये सैलरी जिस सरकारी कर्मचारी की होती थी, उसकी 50,000 हो गई है और किसान के 70-75 के रेट थे कुंटल के, तो उसका मात्र 2000 से भी नीचे 1800 तक पहुंचा अभी, तो बहुत बड़ा अंतर आ गया है। इसलिए किसान आयोग का गठन होना चाहिए, अपनी फसल के दाम तय करने किसान को अधिकार होना चाहिए और MSP की गारंटी भी किसान ही बनाएगा और उसी हिसाब से फिर किसान अपने तरीका से, जिस तरह सारी कंपनी साइकिल, मोटरसाइकिल, घड़ी सभी अपने रेट तय करती है, तो किसान भी अपनी फसलों के रेट तय करेगा। बिल्कुल, किसान अपनी मांगों पर इस कदर अड़ा हुआ है कि MSP हो या कृषि बिल विरोधी कानून, जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी हम बॉर्डर पर डटे रहेंगे। और 26 जनवरी की परेड का रिहर्सल आज किसानों ने जो किया है, उसके बारे में भी आप बताएंगे? हाँ, अब जो किसान, जिस तरह सरकार हल्के में किसानों को ले रही है, उसको हमने दर्शा दिया है। और आज तो सांकेतिक हम 26 जनवरी का रिहर्सल ट्रैक्टर से कर रहे हैं, 26 जनवरी में इससे भी 10 गुना ताकत के साथ 26 जनवरी की परेड जनपद पर करेंगे और झंडा वहीं अपने देश का झंडा फहराएंगे, अपने देश को नमन करेंगे, अपने शहीदों को नमन करेंगे। हमारे पूर्वजों ने ही शहीद होकर इस देश के आज़ाद कराया है। इस किसान, ये किसान ही देश को अन्न पैदा करता, फल दूध सब्जी किसान ही पैदा करके देता है। किसान का बेटा ही
देश की सीमा की रखवाली करता है और किसान के पूर्वजों ने इस देश को आज़ाद कराया है। इसलिए 26 जनवरी को हमें पूरा अधिकार है दिल्ली जाने का। हर कीमत पे सरकार कोई यत्न बना ले, हम जनपद पर जाएंगे 26 तारीख की तैयारी, ये रिहर्सल है हमारा। बिल्कुल, यहाँ 26 जनवरी की परेड का रिहर्सल किसान कर रहे हैं, ट्रैक्टर और अपने पूरी ताकत का प्रदर्शन यहाँ दर्शाया जा रहा है। बिल्कुल, हम इस समय महामाया फ्लाईओवर नोएडा पे खड़े हुए हैं और यहाँ से रिहर्सल शुरू हो रहा है और 26 जनवरी परेड के लिए बिल्कुल किसान अपने ट्रैक्टर और अपने पशुओं और बैलगाड़ियों के साथ दिल्ली के अंदर जाएगा। और उसमें कैसा माहौल, आप क्या क्या तैयारियां हैं? जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अब ये जो वार्ता के नाम पे खानापूर्ति की जा रही है, अब ये बंद कर देनी चाहिए। माननीय मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब जो 8 तारीख है उसमें जो हमारे किसान भाइयों का हक है, जो किसान देवता को हक है, उन्हें वापस दे दीजिए। ये काले कानून आपको हर हालत में वापस लेने पड़ेंगे, चाहे आप कितना ही जोर तोड़ की राजनीति कर लो, ये घटिया राजनीति से अब काम बनने वाला नहीं है। ये काले कानून आपको हर हालत में वापस लेने पड़ेंगे और MSP पर गारंटी भी चाहिए। अकेले कानून लेने से, वापस लेने से भी काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ है MSP पर गारंटी कानून बने। अन्नदाता हम हैं, फसल हम उगाते हैं, तो इसका दाम भी हम तय करेंगे, किसान तय करेगा इसका दाम। कोई ना तो पूंजीपति करेगा, ना कोई नेता करेगा। इसके लिए चाहे आप किसान आयोग का गठन कराइए, किसानों का कर्जा माफ करिए, और जो गन्ने का बकाया है, आपके जो नेता जाके बड़े बड़े मंच पर झूठ बोलते हैं ना कि हमने साहब पैसे दे दिए, सामली के 21,000 करोड़ बकाया है, मुजफ्फरनगर के 19,000 करोड़ बकाया है। क्यों इतना झूठ बोलते हैं आपके नेता? वो जो किसानों का बकाया है वो वापस दे दीजिए, और जो कर्जा है वो माफ़ कर दीजिए। आपने जो बोला था ना 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने बोला था 15-15 लाख खाते में आएंगे, ना तो कोई रोजगार मिला ना कोई खाते में आए, और आ रहे हैं खाते में। आपने कृषि बीमा चला रखा है, कृषि बीमा के नाम पे खानापूर्ति हो रही है। अभी मैं औरैया में गया था, जिला औरैया में घूमने, वहाँ पे मैंने देखा किसानों के खाते में किसी में 10 रुपये आ रहे हैं, किसी में 15 रुपये आ रहे हैं, किसी में 5 रुपये आ रहे हैं। क्यों इतना अन्याय कर रहे हो भैया? कृषि बिल के नाम पर खानापूर्ति मत करिए। यहाँ पर अन्नदाता 26 जनवरी की परेड का रिहर्सल करने के लिए उतर चुका है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह वही देश का अन्नदाता है जो रिहर्सल करने के लिए अपने ट्रैक्टरों के माध्यम से यहां उतर चुका है। अन्नदाता ने स्पष्ट कह दिया है कि हम आज रिहर्सल कर रहे हैं गौतम बुद्ध नगर महामाया फ्लाईओवर से, किसानों का ट्रैक्टरों के साथ रिहर्सल शुरू हो चुका है। और इस रिहर्सल को लेकर अन्नदाता यहां से अपने धरना स्थल तक पहुंचेगा और उस धरना स्थल पर जाकर यह रिहर्सल समाप्त होगा। इस रिहर्सल के बाद अन्नदाता ने स्पष्ट कह दिया है, हम 26 जनवरी परेड ग्राउंड राजपथ पर जाकर भी अपनी लाभ लश्कर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ प्रदर्शन बखूबी दिखाएंगे। मुकेश गुप्ता, नोएडा, समाचार 24। वृंदावन में